हेलो फ्रेंड्स, विशांत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट फज की रेसिपी। और दोस्तों, आप इस फज को बनाकर लगभग 15 से 20 दिन का आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चॉकलेट फज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड, तो यहाँ पे आप डार्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा कंपाउंड यूज़ करूँगा, लगभग 250 ग्राम, तो ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसको कट कर कर और यहाँ पे हम कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे या फिर तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम कंपाउंड को तोड़ लिया है। तो अब यहाँ पे केक टिन को हम रेडी कर लेते हैं चॉकलेट फज को जमाने के लिए। तो सबसे पहले केक टिन लिया है स्क्वायर शेप का, और यहाँ पे इसके अंदर हम एक बेकिंग पेपर को प्लेस कर रहे हैं ताकि हमारा चॉकलेट फज है वो आसानी से बनकर बाहर निकल आए। तो केक टिन रेडी है। अब यहाँ पे गैस पर रखेंगे एक पैन, इसमें मैं डालूंगा 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। अब इसके गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसको कुक करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये कंडेंस में हल्का सा मेल्ट सा ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे मेल्ट सा हो रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क कंपाउंड जिसको हमने बारीक तोड़ा था अभी, और इसको हम लो फ्लेम पर इसी तरह लगातार चलाते हुए कुक करेंगे जब तक सारी चॉकलेट पिघल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे चॉकलेट पिघलना शुरू हो चुकी है। तो बस इसी तरह कम्प्लीटली चॉकलेट को पिघला लेना है। और यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से पिघल भी चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम, 3 टेबलस्पून किशमिश। आप इसको एक बार मिक्स कर देना है अच्छे से, और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम केक टिन के अंदर डालेंगे। तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है मिक्सचर। तो अब इसको ट्रांसफर कर देंगे केक टिन के अंदर, तो सारा का सारा मिक्सर डाल देना है। और दोस्तों, अगर बर्तन के चिपका रह जाए तो उसमें आप दूध डालकर उसको पी भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो लगभग 3 घंटे बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। और इसको बाहर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे इसको हम कट करेंगे, तो इसका बटर पेपर या फिर बेकिंग पेपर जो भी है इसको अलग कर लेना है पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम पहले निशान लगा लेते हैं कि कितना हमें कट करना है, और उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस कर रहा हूँ इसके, तो जैसे पीसेस आप पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह, यहाँ से मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। तो सारे फज को इस तरह कट कर कर किसी प्लेट में रेडी कर देंगे, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको पैक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, चॉकलेट फज हमारा रेडी हो चुका है बनकर। अब मैं आपको पैक करके दिखा देता हूँ किस तरह पैक करना है। यहाँ पे एक फज लेंगे इस तरह, और इसको रखेंगे इस तरह एक पेपर के अंदर, और चारों तरफ से इस तरह कवर कर देंगे, किसी टेप से चिपका देंगे, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन के लिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको रेसिपी आज की? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।